वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस 38th लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। आज हम स्टार्ट करेंगे गियर ट्रेन वाले चैप्टर में एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब तक हमने कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन, इस वाले चैप्टर में ये सब सारी चीजें हमने कवर की हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो क्या होता है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, देखिए। व्हेन देयर एग्जिस्ट अ रिलेटिव चेंज इन पोजीशन ऑफ एक्सेस इन अ गियर ट्रेन, इट इज कॉल्ड एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। Thus, in an epicyclic gear train, the axis of at least one of the gears moves relative to the frame. इस बात को समझिए, क्या कहना चाह रहा है कि हम epicyclic gear train किसे कहेंगे, कैसे जानेंगे कि ये epicyclic gear train है। वैसे भी मैंने आपको बताया ही हुआ है, देखिए epicyclic gear train में क्या होगा, ये मैंने दो गियर बनाए जो एक्सटर्नली एक दूसरे से मेट कर रहे हैं। ठीक है, टू एक्सटर्नल गियर मेटिंग गियर हमने यहां पे बना दिए। अब क्या हो रहा है, इन दोनों के सेंटर वाले पॉइंट को मैंने एक आर्म से जोड़ दिया। ठीक, लेट्स से कि इसका सेंटर है ओ वन बड़े वाले का और छोटे वाले का सेंटर है ओ टू। यह है गियर नंबर वन, यह है गियर नंबर टू। तो अब क्या होगा, देखिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस दो गियर की दो एक्सिस होगी। O1 की एक्सिस इस तरीके से जा रही होगी बाहर की तरफ और O2 वाले गियर की एक्सिस कुछ इस तरीके से जा रही होगी बाहर की तरफ। क्लियर, O1 वाले गियर की एक्सिस कुछ इस तरीके से जा रही होगी बाहर की तरफ और O2 वाले गियर की एक्सिस कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ जा रही होगी, परपेंडिकुलर टू द बोल्ट। अब क्या हुआ कि लेट से मैंने इस वाले गियर की एक एंड को फिक्स कर दिया। ठीक है, यहां पर पिन जॉइंट, और मैं क्या कर रहा हूं, ये जो हमारा आर्म है, इस आर्म को, ये जो हमारा आर्म है, इस आर्म को मैं रोटेट करा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराऊंगा तो देखिए क्या होगा, इसको मैंने इस आर्म को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया यहां पर। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मैंने रोटेट कराया। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने से क्या होगा, देखिए दो चीजें होंगी, एक तो ये जो गियर नंबर टू है, ये जो छोटू वाला गियर है, छोटा वाला गियर, ये, ठीक है, स्मॉल गियर, स्मॉल गियर क्या होगा, ये स्मॉल गियर एक तो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा और दूसरा जब ये आर्म रोटेट करेगा तो इसकी जो एक्सिस है, लेट से इसकी जो एक्सिस है कुछ इस तरीके से जा रही होगी, इस वाले गियर की एक्सिस कुछ इस तरीके से जा रही होगी, तो ये गियर भी इस ओवन के अबाउट रोटेट करेगा। मतलब आप समझ पा रहे हो, जैसे कल मैंने आपको इसके पिछले लेक्चर में, गियर ट्रेन के लेक्चर में, मैंने आपको सन और अर्थ वाला एग्जाम्पल दिया था कि जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है तो एक तो अपनी एक्सिस के अबाउट भी घूम रही है, साथ ही साथ सन की एक्सिस के अबाउट भी घूम रही है, सन के अबाउट भी घूम रही है। इन द सेम मैनर ये जो छोटा वाला गियर है, इसको अगर आप इमेजिन कर लो एक तरीके से अर्थ, ठीक है, आप इसको इमेजिन करो, इमेजिन ये करो कि ये बिहेव कर रही है एक तरीके की अर्थ के तरीके से और ये बिहेव कर रहा है एक तरीके से सन के तरीके से, तो क्या होगा, ये वाला गियर अपनी एक्सिस के अबाउट तो रोटेट ही कर रहा है, साथ ही साथ इस बड़े वाले गियर के अबाउट भी रोटेट कर रहा है। तो जब ये रोटेट करेगा तो कुछ इस पोजीशन में होगा यहां पर। तो यही है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की परिभाषा, यही है डिफिनेशन। क्या कह रहा है कि व्हेन देयर एग्जिस्ट अ रिलेटिव चेंज इन द पोजीशन ऑफ एक्सिस, कह रहा है कि जब किसी गियर के एक्सिस, एक्सिस मतलब जो गियर नंबर टू है उसके एक्सिस में रिलेटिव पोजीशन हो, मतलब समय के साथ साथ उसकी पोजीशन भी चेंज होती जाए, मतलब गियर अपनी एक्सिस के अबाउट तो रोटेट ही करे, साथ ही साथ जो दूसरा गियर है उसके अराउंड भी मूव करे, उसके चारों तरफ भी घूमे, तो जो अरेंजमेंट बनेगा, जो गियर बनेगा, उसको हम बोलेंगे एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। बात समझ में आई, तो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का क्या मतलब हुआ, जब कोई गियर, दो मेटिंग गियर में कोई गियर अपनी एक्सिस के अबाउट तो घूमे ही घूमे, साथ ही साथ किसी दूसरे गियर के अराउंड भी घूमे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस अरेंजमेंट को बोलेंगे हम एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। क्या इतनी बात क्लियर है, तो यही वहां पे लिखा गया है।
व्हेन देयर एग्जिस्ट एन रिलेटिव चेंज, कह रहा है एग्जिस्ट करे, किसमें एग्जिस्ट करे, रिलेटिव चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, पोजीशन और एक्सेस, एक्सेस की पोजीशन में रिलेटिव चेंज हो रहा है इन अ गियर ट्रेन, ठीक है। इट इज कॉल्ड एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, दस इन एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन द एक्सेस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गियर, कह रहा है कम से कम किसी एक गियर की एक्सेस की रिलेटिव पोजीशन चेंज होनी ही चाहिए, चाहे O2 को आप रोटेट करा दो O1 के अबाउट या O1 को रोटेट करा दो O2 के अबाउट, इन दोनों में से किसी एक गियर की एक्सेस की रिलेटिव पोजीशन चेंज होनी ही चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे क्या है ये एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। क्लियर है पॉइंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लार्ज स्पीड रिडक्शंस आर पॉसिबल, क्यों यूज किया जाता है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि ये हमें लार्ज स्पीड रिडक्शन देता है। ये लार्ज स्पीड रिडक्शन का क्या मतलब हुआ, स्पीड में बहुत ज्यादा अमाउंट से रिडक्शन का क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि अगर आप स्पीड को काफी ज्यादा अमाउंट से रिड्यूस करना चाहते हो, जो रिडक्शन का रेशियो है अगर उसको आप बहुत ज्यादा रखना चाहते हो, कहने का यह मतलब है, मान लीजिए जो हमारे पास दो गियर हैं, यहां पे मैं दो गियर को बना रहा हूं, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है, इसकी स्पीड है एन वन और इसकी स्पीड है एन टू, मान लीजिए एन वन की स्पीड है लेट सपोज 1000 आरपीएम, समझने के लिए हम बात करते हैं कि लेट से जो एन वन की स्पीड है वो है 1000 आरपीएम और N2 को आप बहुत ज्यादा अमाउंट से रिड्यूस करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि N2 आपको 10 आरपीएम मिले, N2 आपको 10 आरपीएम मिले, तो देखिए N2 बाई N1 का रेशियो कितना हो गया, अगर यहां पे मैं N2 बाई N1 का रेशियो निकालूं तो ये N2 बाई N1 का रेशियो कितना निकल के आ रहा है, 10 डिवाइडेड बाई 1000, इसको आप डिवाइड करोगे तो 1 डिवाइडेड बाई 100, मतलब जब आपको इतने ज्यादा अमाउंट से स्पीड को रिड्यूस करना हो तब हम क्या यूज करेंगे, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का। तो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन हमारे लिए क्या फायदा देता है, ये हमें प्रोवाइड करता है लार्ज स्पीड रिडक्शन, स्पीड में जो रिडक्शन होगा वो बहुत लार्ज अमाउंट से होगा, आर पॉसिबल विद एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन्स and if fixed wheel is annular, a more compact unit could be obtained, outer wheel is known as annular. कहने का ये मतलब है कि आप इन गियर को externally भी meet करा सकते हो और internally भी meet करा सकते हो, हमने दो तरीके के meeting gear पढ़े थे, एक तो external meeting gear और दूसरा internal meeting gear, ठीक है। देखिए मैंने आपको दो तरीके के gear पढ़ाए थे पिछले lecture में, ठीक है, ये क्या है, ये है एक्सटर्नल मीटिंग गियर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरनल मीटिंग गियर, ये क्या हो जाएगा इंटरनल मीटिंग गियर, क्योंकि यहां पे गियर कैसे मेट कर रहे हैं, कैसे टच कर रहे हैं, इंटरनली, यहां पे एक्सटर्नली कट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं। तो मैंने इसमें आपको बताया था अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और इसमें दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, हमने पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, इफ द फिक्स्ड व्हील इज एनुलर, ये एनुलर का क्या मतलब हुआ, कह रहा है अगर जो फिक्स्ड व्हील है उसको हम एनुलर बना दें, अ मोर कॉम्पैक्ट यूनिट कुड बी ऑप्टेंड, अगर जो फिक्स्ड व्हील है उसको हम एनुलर बना दें, कहने का ये मतलब है, अब अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो गया, ये
लेकिन इस बार हमने यहां पे तीन गियर का यूज कर लिया। आप एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में कितने भी गियर यूज करो, जब हम गियर ट्रेन बोलते हैं तो दो या दो से ज्यादा होने चाहिए गियर्स हमारे पास, तो यहां पे हमने तीन गियर ले रखे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर जो फिक्स्ड गियर है उसको हम, जो गियर है एक गियर को हम फिक्स्ड बना रहे, इफ द फिक्स्ड व्हील इज अ एनुलर, तो जो बाहर वाला व्हील है, बाहर वाला गियर व्हील है, इसको हम एनुलर बोलते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके का अरेंजमेंट है तो जो बाहर वाला गियर व्हील है उसको हम बोलते हैं एनुलर गियर व्हील, ठीक है। जो बाहर वाला गियर व्हील है उसको हम बोलते हैं एनुलर गियर व्हील, अगर इस तरीके का अरेंजमेंट है, ठीक है। और ये हो जाएगा सन प्लैनेट, ठीक है, सन, क्योंकि सन बीच में होता है, और ये हो जाएगा हमारा प्लैनेट, क्योंकि ये क्या करेगा, ये इसके चारों तरफ इस तरीके से मूव करेगा, और बाहर वाले गियर व्हील को हमने फिक्स कर रखा है। तो यही कह रहा है अगर इस तरीके का अरेंजमेंट है तो जो बाहर वाला फिक्स्ड, जो बाहर वाला गियर व्हील है उसको अगर हम फिक्स्ड कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनुलर गियर व्हील। और ये जो बीच में है, बीच में बन जाएगा प्लैनेट, और बीच वाला बन जाएगा सन गियर व्हील, बीच वाला प्लैनेट गियर व्हील और सबसे बाहर वाला एनुलर गियर व्हील। जैसे सन क्या करता है, सन के चारों तरफ पृथ्वी रोटेट करती है इन द सेम मैनर, ये बीच में सन हो जाएगा, जो रोटेट कर रहा है वो एक तरीके से प्लैनेट की तरीके से बिहेव कर रहा है, और सबसे बाहर वाले गियर व्हील को अगर हम फिक्स कर दें तो उसको हम बोलते हैं एनुलर गियर व्हील, ठीक है। सो आउटर व्हील इज नोन एज एनुलर, तो जो आउटर व्हील होगा सबसे बाहर वाला, देखिए लिखा हुआ है आउटर व्हील इज एनुलर, तो ये जो आउटर व्हील है उसको हम क्या बोलेंगे, एनुलर व्हील, एनुलर गियर व्हील, क्लियर है। तो ये समझ में आ गया कि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का हम यूज क्यों करते हैं, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का यूज करते हैं क्योंकि ये हमें बहुत लार्ज अमाउंट में स्पीड रिडक्शन देता है, मतलब जहां पर हमको स्पीड को काफी ज्यादा अमाउंट से रिड्यूस करना होगा तो हम किसका यूज करेंगे, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का। इतनी बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एपिसाइक्लिक गियर्स आर इन ट्रांसमिशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ट्रांसमिशन मतलब ये हुआ कि जहां पर हमको ट्रांसमिट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे स्पीड को, पावर को, और काफी ज्यादा लार्ज स्पीड रिडक्शन चाहिए या काफी ज्यादा अमाउंट से स्पीड को रिड्यूस करना है, उस जगह पे हम यूज करेंगे एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का। इन जनरल एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन्स हैव 2 degrees ऑफ फ्रीडम, ये हमने कैलकुलेट भी किया था, ये जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले वाला चैप्टर पढ़ रहे थे वहां हमने पढ़ा भी था एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैंने आपको सिखाया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की कैसे निकालते हैं। अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको बताया था द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स यूज्ड, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स नेसेसरी टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए जितने इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखिए एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में, अगर यहां पे मैं सिंपल सा एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन बनाऊं, ये मैंने सिंपल सा एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन बनाया, इसको बोल दिया गियर नंबर 1, इसको बोल दिया गियर नंबर 2, और इनको, इन दोनों के सेंटर पॉइंट को मैंने एक आर्म के थ्रू जोड़ दिया, ठीक है, यह बन गया मेरा सिंपल एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। अब देखिए मुझे पता है कि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में क्या होता है कि ये गियर तो अपनी एक्सिस के अबाउट तो घूमेगा ही घूमेगा, साथ में ये गियर इस गियर नंबर 1 के अराउंड भी घूमेगा कुछ इस तरीके से, कभी यहां पर होगा जब अराउंड घूमेगा, कभी यहां पर होगा, कभी यहां पर होगा, ठीक है, कभी यहां पर होगा इस तरीके से, समझ पा रहे। तो आप खुद सोच के बताओ कि अगर अभी हम वो फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इज इक्वल टू 3 times ऑफ एल माइनस 1 माइनस 2j माइनस h, यही तो फॉर्मूला है निकालने का डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी हम इस फॉर्मूले पे जा ही नहीं रहे हैं, आप ये बताओ, देख के बताओ कि इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए
आपको कितने इंडिपेंडेंट मोशन की जरूरत पड़ेगी। आपको एक तो इस गियर नंबर दो को अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कराना है, दूसरा इसके अबाउट। तो आप दो मोशन दोगे ना, एक तो गियर नंबर टू को ताकि वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, तो एक मोशन वो हो गया। दूसरा, अब इसको इस गियर नंबर दो को गियर नंबर वन के अराउंड भी तो घुमाना है, तो वो भी तो एक मोशन देना पड़ेगा। किसको? आर्म को। जब हम आर्म को रोटेट कराएंगे, जब हम आर्म को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे, तभी तो ये गियर, दूसरे नंबर का गियर, इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगा, ऐसे। समझ पा रहे हैं? तो हमें कितने मोशन की जरूरत पड़ी? दो मोशन की। एक तो गियर नंबर दो को उसके खुद की एक्सिस के अबाउट घुमाने के लिए, और आर्म को घुमाने के लिए, ताकि गियर नंबर दो इस गियर नंबर वन के अराउंड घूम सके। इसलिए कितने मोशन की जरूरत पड़ी हमें? हमें दो मोशन की जरूरत पड़ी। और अगर जितने इंडिपेंडेंट मोशन की जरूरत पड़ती है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमने यहां से निकाल लिया कि कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की? दो होगी। ठीक है, तो यहां से हमने निकाल लिया कि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है कितनी होती है? दो होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कभी कभार, इसको लर्न कर लीजिएगा एक तरीके। ठीक है, तो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? दो होती है। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमको समझ नहीं आया, तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दिखाते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले तो यहां एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का फिगर बना लेते हैं। आर्म हो गया, ये गियर नंबर वन हो गया, गियर नंबर टू। ठीक है, चलिए बताइए कितने नंबर ऑफ लिंक हैं? लिंक बताइए, क्योंकि हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एल माइनस वन माइनस टू जे माइनस एच, ये अप्लाई करना है। तो हमें नंबर ऑफ लिंक चाहिए, नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट चाहिए, और नंबर ऑफ हायर पेयर चाहिए। तो पहले नंबर ऑफ लिंक देख लेते हैं, कितने नंबर ऑफ लिंक हैं? वन टू और एक आर्म हुआ, तो आर्म हो गया लिंक नंबर थ्री। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई? एल की वैल्यू हो गई थ्री। एल की वैल्यू कितनी हो गई? एल की वैल्यू हो गई थ्री। सही है, अब देखते हैं नंबर ऑफ बाइनरी पेयर्स और नंबर ऑफ हायर पेयर, इसमें कितने हैं आप बताइए? इसमें कितने नंबर ऑफ लिंक है दिखाई दे रहा है? क्या तीन ही है नंबर ऑफ लिंक? नंबर ऑफ लिंक कितने हैं? तीन है या चार है? सोच के बताइए। चार नंबर ऑफ लिंक हैं। कैसे कैसे चार नंबर ऑफ लिंक है? सोच के बताइए, चार नंबर ऑफ लिंक कैसे हुए? अरे भाई मेरे, पहला गियर, दूसरा गियर आर्म, और एक फिक्स्ड लिंक भी तो है यहां पर। गियर नंबर वन को हमने यहां पर इसके एक्सिस को फिक्स किया हुआ है ना, अगर उसको आप फिक्स नहीं करोगे तो ये भी तो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही होगी। समझ पा रहे हैं? हमको इसको रोटेट कराना है, गियर नंबर दो को इसके चारों तरफ ऐसे रोटेट कराना है, तो इसके लिए गियर नंबर वन को फिक्स करना पड़ेगा, गियर नंबर वन की एक्सिस को फिक्स करना पड़ेगा। वो हमने देखे यहां पर फिक्स किया हुआ है, तो वो फिक्स लिंक को आप भूल गए। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? असल में यहां पर जो नंबर ऑफ लिंक है वो कितने हैं? नंबर ऑफ लिंक, यहां पे नंबर ऑफ लिंक कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ लिंक हो गए, एल की वैल्यू कितनी हो गई? एल की वैल्यू हो गई। ठीक, जे बताइए, नंबर ऑफ बाइनरी पेयर्स बताइए कितने हो गए? नंबर ऑफ बाइनरी पेयर्स कितने हो गए? तो देखिए, एक तो यहां पर हो गया नंबर ऑफ बाइनरी पेयर, क्योंकि यहां पर लिंक नंबर तीन और लिंक नंबर दो, मतलब इस फिक्स लिंक को क्या मैं लिंक नंबर फोर बोल सकता हूं? ये जो फिक्स लिंक है, जो फिक्स लिंक है उसको मैंने क्या बोला हुआ है? फिक्स लिंक को मैंने लिंक नंबर फोर बोला है। ठीक है, तो देखिए यहां पर पिन ज्वाइंट है, तो पिन ज्वाइंट पे कौन कौन सी लिंक जुड़ी है? एक तो लिंक नंबर दो, गियर नंबर दो, और लिंक नंबर तीन आर्म। तो यहां पर एक बाइनरी ज्वाइंट हो गया, चलिए एक बाइनरी ज्वाइंट हो गया। अगला देखिए,
अब ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर देखिए, यहां पर भी तो पिन ज्वाइंट है, यहां पर क्या यहां पर पिन ज्वाइंट नहीं है? बिल्कुल पिन ज्वाइंट है, पिन ज्वाइंट कर रखा है, लेकिन उस पिन ज्वाइंट पर ध्यान से देखिए, उस पिन ज्वाइंट पर कितनी लिंक जुड़ी है? अगर इस पिन ज्वाइंट को यहां पर मैं बनाऊं, इस पिन ज्वाइंट पर कितनी लिंक जुड़ी है? एक तो सर लिंक नंबर 3 जुड़ी है, एक तो लिंक नंबर 3 जुड़ी है, दूसरा इसी पर क्या गियर नंबर 1 का एक्सिस नहीं फिक्स है? क्या इसी पॉइंट पर गियर नंबर 1 का एक्सिस नहीं फिक्स है? बिल्कुल, तो मतलब लिंक नंबर 1 भी इस पॉइंट पर अटैच है, जुड़ी हुआ है, ठीक है। और क्या यहां पे फिक्स लिंक को नहीं अटैच किया गया है? यहां पर फिक्स लिंक भी तो है, मतलब इस वाले पॉइंट पर टोटल कितने लिंक है? 3 लिंक है। तो जहां पर 3 लिंक जुड़ती है वहां कौन सा ज्वाइंट बनता है? वहां टर्नरी ज्वाइंट बनता है, याद आ रहा है? बाइनरी ज्वाइंट कब बोल रहे थे? जहां पर 2 लिंक जुड़ी होती हैं एक दूसरे से, उसको हम बाइनरी ज्वाइंट बोलते हैं। जब एक दूसरे से 3 लिंक एक पॉइंट पे जुड़ी हो तो उसको हम टर्नरी ज्वाइंट बोलते हैं, याद आ रहा है? जहां पे 4 लिंक एक दूसरे के साथ जुड़ी हो उसको हम क्वार्टरनरी ज्वाइंट बोलते हैं, सब पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो मतलब इस वाले पॉइंट पे लिंक नंबर 3, लिंक नंबर 4 और लिंक नंबर 1, ये 3 लिंक जुड़ी है। मतलब कैसा ज्वाइंट बना ये? ये बना हमारा टर्नरी ज्वाइंट। कैसा ज्वाइंट बना ये? ये बना हमारा टर्नरी ज्वाइंट, ठीक है। तो इसको क्या मैं टर्नरी ज्वाइंट लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। देखिए इसका मतलब, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज माई टर्नरी ज्वाइंट। देखिए मैं टी से लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। इसका मतलब टर्नरी ज्वाइंट हो गया। और आपको पता है कि एक टर्नरी ज्वाइंट कितने बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होता है? 1 टर्नरी ज्वाइंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बाइनरी ज्वाइंट। ये पहले चैप्टर में सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। रिवीजन बहुत मस्ट है, कुछ लोग भूल गए होंगे तो आपको याद होना चाहिए। 1 टर्नरी ज्वाइंट इज इक्वल टू 2 बाइनरी ज्वाइंट। मतलब यहां पे अगर टर्नरी ज्वाइंट बना तो क्या उस 1 टर्नरी ज्वाइंट को मैं 2 बाइनरी ज्वाइंट के बराबर इक्वेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। एंड द लास्ट थिंग, क्या इसमें आपको कोई हायर पेयर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, यहां पर, क्योंकि यहां पर 2 गियर एक दूसरे के साथ पॉइंट कॉन्टेक्ट है, और जब भी पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है तो वहां पर हायर पेयर बनता है। मतलब यहां पर एक हायर पेयर बना तो यहां पर एक एच हो जाएगा। क्या मैं सारी चीजों को समराइज कर सकता हूं? बिल्कुल, चलिए करते हैं। तो यहां पर 2B और यहां पर B, तो कितने हो गए? 3B हो गए। तो मतलब J की वैल्यू कितनी हो गई? 3 बाइनरी ज्वाइंट हो गए, तो J की वैल्यू 3 हो गई, और H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? H, एक हायर पेयर है। फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करिए, तो देखिए मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ L माइनस 1, L की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, माइनस 2 टाइम्स ऑफ J की वैल्यू कितनी है? 3, यहां पुट करिए, माइनस H की वैल्यू कितनी है? H की वैल्यू है 1, कितना हो गया ये? 3 × 9, 9 माइनस 6 कितना हो गया? 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। तो देखिए आ गया कितना, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया? 2 आ गया। यही चीज तो बोल रहा है कि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 2 होती है। इस पॉइंट को आप याद रखिए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दिस मीन्स टू ऑब्टेन अ कंट्रोल्ड आउटपुट मोशन द ट्रेन मस्ट हैव 2 इनपुट। वही कह रहा है कि अगर आपको कंट्रोल्ड आउटपुट मोशन चाहिए तो आपको इनपुट पे कितने मोशन देने पड़ेंगे? 2 मोशन देने पड़ेंगे। वही पॉइंट तो लिखा है, वही तो मैंने अभी बताया आपको कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन नीड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ सिस्टम। हमारा सिस्टम क्या है? गियर ट्रेन। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही है? 2 आ रही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ रही है, मतलब हमें 2 मोशन देने पड़ेंगे, 2 इनपुट देने पड़ेंगे ताकि आउटपुट हमें एक डिफाइंड मोशन मिले। बात समझ पा रहे? तो ये लिखा है दिस मीन्स टू ऑब्टेन द कंट्रोल्ड आउटपुट। कंट्रोल मतलब हमें वो आउटपुट पता है कैसा मिलेगा, उसके लिए हमें 2 इनपुट देने पड़ेंगे, मस्ट हैव 2 इनपुट। क्या ये बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। नंबर ऑफ इनपुट्स कैन बी रिड्यूस्ड टू 1 इफ 1 व्हील ऑफ द गियर ट्रेन इज फिक्स्ड। कह रहा है कि जो इनपुट है इसको हम 1 दे सकते हैं, मतलब जो 2 इनपुट दे रहे हैं इस 2 इनपुट को हम 1 कर सकते हैं, रिड्यूस करके 1 कर सकते हैं, If one wheel of the gear train is fixed, अगर हम क्या करें किसी एक व्हील को क्या करें हम फिक्स कर दें, ठीक है। तो जो गियर हमारा गियर नंबर 2 गियर नंबर 1 के चारों तरफ रोटेट कर रहा था, अगर उस गियर को हम सिर्फ उसकी एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कराएं, अराउंड ना मूव कराएं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी। कहने का यह मतलब है
यहां पर जो ये गियर नंबर टू है ये इस गियर नंबर वन के चारों तरफ ऐसे अराउंड मूव कर रहा था, तो अगर मैं अब इसको फिक्स कर दूं, मतलब क्या कर सकता है, ये सिर्फ अपनी एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करे, इसके चारों तरफ मूव ना करे, तो हमें सिर्फ एक ही मोशन तो देना पड़ेगा। तो वही तो लिखा है, नंबर ऑफ इनपुट्स कैन बी रिड्यूस टू वन इफ वन व्हील ऑफ द गियर ट्रेन इज फिक्स। चलिए देखते हैं आगे, तो ये चीज आपको समझ में आ रही है, वही है फिगर। अभी तक इस फिगर को मैं इस तरीके से बना रहा था, इस फिगर को मैं इस तरीके से बना रहा हूं, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको पलट दो, इसको सीधा सीधा कर दो, तो सीधा करोगे तो ये वाला गियर यहां पहुंच जाएगा, मतलब जो मैंने हॉरिजेंटल में बनाया है यहां पर इस फिगर को वर्टिकल डायरेक्शन में शो किया गया है, क्लियर। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये हॉरिजेंटल है और सर उसमें वर्टिकल बना है, सेम फिगर है। इसको अगर आप इस फिगर को ऐसे कर दो, ये फिगर जो ऐसे है इसको आप ऐसे कर दो, तो आपको ऐसे दिखाई देगा ये वर्टिकल, ठीक। तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, तो ये फिगर दिखाया गया है कैसे, देखिए कि यहां पर एक बड़ा गियर है, ये वाला एक बड़ा सा गियर है, ठीक है, और उसके बाद उसके साथ में जो मेटिंग गियर है वो मेटिंग गियर एक छोटा सा गियर है, जिसके साथ एक मेटिंग गियर है, ये मीटिंग गियर एक छोटा सा गियर है। तो इसको जब आप इस साइड व्यू से देखोगे, साइड व्यू से, तो साइड व्यू से आपको ये गियर ऐसे दिखाई देगा, एक गियर ये हो गया पी वाला और एस वाला गियर यहां पे हो गया, यही एक्सिस है जो दोनों की अलग हो रही है, ठीक है। और इन दोनों के सेंटर पॉइंट को देखिए हमने क्या किया है, एक आर्म से जोड़ा है, तो ये आर्म जोड़ दिया, इन दोनों के सेंटर पॉइंट को हमने एक आर्म से जोड़ दिया। तो जब ये आर्म रोटेट करेगा, ठीक है, इस एस वाले पर आप बैठ जाइए और आर्म को रोटेट कराइए, तो जब आप आर्म को रोटेट कराओगे तो क्या होगा, ये पी कभी आपको यहां दिखाई देगा, ये पी कभी यहां दिखाई देगा, ये पी इसके चारों तरफ ऐसे घूमता रहेगा, समझ पा रहे बात को। तो यही अरेंजमेंट है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का, तो इसी को इसने रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस तरीके से दिखाया ताकि आपको फिगर समझ में आए, ठीक है, कि जब आप गियर आर्म को रोटेट कराओगे तो ये जो छोटा वाला गियर है इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है, चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमेगा, डिपेंड करेगा डायरेक्शन कैसे, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हो तो ऐसे घूमेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हो तो इस तरीके से घूमेगा, क्लियर पॉइंट। बाकी इस पे कुछ है नहीं, बस फिगर को समझाने के लिए यहां पे रिप्रेजेंट किया गया था। क्वेश्चन देखिएगा, इफ गियर बी मूव्स अराउंड गियर ए अबाउट फिक्स्ड आर्म देन द मोशन इज कॉल्ड, क्या कह रहा है, इफ गियर बी मूव अराउंड अ गियर ए अबाउट अ फिक्स्ड आर्म देन द मोशन इज कॉल्ड, बताइए कैसा मोशन होगा, अगर गियर बी मूव करे अराउंड गियर ए अबाउट अ फिक्स्ड आर्म देन द मोशन इज कॉल्ड, तो इस तरीके के मोशन को हम क्या बोलेंगे, अराउंड मूव कर रहा है, ध्यान दीजिएगा अराउंड मूव कर रहा है, तो अराउंड मूव करने पे क्या होता है, जब उसके चारों तरफ, अराउंड का मतलब होता है उसके चारों तरफ, तो ये क्या बनाता है हमारा एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एपिसाइक्लिक मोशन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एपिसाइक्लिक मोशन, अभी अभी हमने पढ़ा। अब देखिए सन और प्लैनेट गियर देखेगा, दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, जो हमने एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, जो हम एपिसाइक्लिक जब भी बोलेंगे एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सिंपल एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, ये वाला अभी अभी हमने जो देखा, दिस इज एपिसाइक्लिक, सिंपल एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, सिंपल एपिसाइक्लिक गियर, इसी का स्पेशल केस आता है सन एंड प्लैनेट गियर, जो सन एंड प्लैनेट गियर है इट इज अ स्पेशल केस ऑफ सिंपल एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, ठीक है। क्या है, क्या होता है इसमें, तो सन प्लैनेट आपके दिमाग में आना चाहिए, सन प्लैनेट, तो जैसे सन के चारों तरफ, सन के चारों तरफ प्लैनेट मूव करता रहता है, तो इसमें भी क्या होगा, सेम उसी मैनर में बीच में हमारे पास एक सन गियर होगा,
उसके अराउंड एक प्लैनेट गियर होगा, छोटा गियर जो उसके चारों तरफ मूव कर रहा होगा। तो ये अरेंजमेंट क्या बनाएगा, ये अरेंजमेंट बनाएगा सन प्लैनेट गियर। पढ़ते हैं, देखिए देखिए कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है, ये आपको दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है, ये आपको दिखाई दे रहा है, क्या है, देखिए ये है आर्म, ध्यान से देखिएगा, दिस इज माई आर्म। आप इसको ऐसा समझिए, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये फिगर थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, कुछ इस तरीके से समझिएगा, यह समझ में आ रहा है आपको। तो ये वाला जो गियर है, इसको लेट से हमने बोल दिया गियर नंबर वन, इसको हमने बोल दिया गियर नंबर टू, और सबसे बाहर वाली गियर को बोल दिया गियर नंबर थ्री, और ये है हमारा आर्म, यहां पे इसको हमने फिक्स कर दिया। तो देखिए जो बीच में है, बीच वाले को हम बोलते हैं सन गियर, ठीक है, और इसके आर्म से जो इस सन गियर के साथ जो आर्म से इससे जुड़ा हुआ है, उस वाले हम गियर को बोलते हैं प्लैनेट गियर, इसको हम बोलते हैं प्लैनेट गियर, और जो सबसे बाहर वाला गियर होता है इसको हम बोलते हैं एनुलर गियर। तो देखिए क्या होगा यहां पे, जब हम आर्म को रोटेट कराएंगे, आर्म को मूव कराएंगे, चाहे क्लॉकवाइज कराइए, चाहे आप इसको क्लॉकवाइज कराइए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज कराइए, तो लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज कराते हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कराओ, तो क्या होगा, आर्म के रोटेट करने की वजह से ये जो हमारा प्लैनेट है अभी आपको यहां दिखाई दे रहा है, कुछ समय के बाद ये प्लैनेट आपको इस वाली पोजीशन पे दिखाई देगा यहां पर। इस वाली पोजीशन पे ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही मूव कर रहा है जैसे हमारा सोलर सिस्टम मूव करता है, बीच में सन होता है, उसके चारों तरफ प्लैनेट मूव कर रहे होते हैं, तो ये प्लैनेट गियर इसके चारों तरफ मूव करेगा, कभी यहां पर होगा, कभी इस वाली पोजीशन पर होगा, कभी इस वाली पोजीशन पर होगा, कभी इस वाली पोजीशन पर होगा। तो आपको समझ में आया सन प्लैनेट गियर का मतलब क्या है, कि बीच में हमारे पास एक बड़ा गियर होगा जिसको हम सन गियर बोलेंगे, उसके चारों तरफ एक छोटा गियर होगा जो चारों डायरेक्शन में उसके अराउंड सन के चारों तरफ मूव कर रहा होगा, उसको हम प्लैनेट गियर बोलेंगे, और जो सबसे बाहर वाला गियर होगा उसको हम एनुलर गियर बोलेंगे। क्लियर, चलिए इसको क्लियर करते हैं, वापस से आते हैं इसके पहले वाली स्लाइड पे, देखते हैं क्या है। व्हेन एन एनुलर व्हील इज एडेड टू द एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, एनुलर व्हील समझ गया, एनुलर जो सबसे बाहर वाला व्हील था उसको हम एनुलर बोल रहे थे, जो सबसे बाहर वाला व्हील था उसी को हम एनुलर बोल रहे थे। तो कह रहा है जब एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन जो हमने पढ़ा हुआ था, सिंपल एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, उसमें जब हम एक एनुलर व्हील को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा सिंपल क्या बन जाता है, सन प्लैनेट गियर। द कॉम्बिनेशन इज यूजुअली रिफर्ड टू एज अ सन प्लैनेट गियर, मतलब देखिए ये हमारा पहले सिंपल एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन बनाता हूं मैं, ठीक है, ये मैंने बना दिया सिंपल एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। अब क्या करिए, इसमें एक एनुलर व्हील को ऐड कर दीजिए, इसमें अगर मैं एनुलर व्हील को ऐड करूं तो क्या इस तरीके से आपको नहीं दिखाई देगा, ये मैंने एक एनुलर व्हील ऐड कर दिया, ठीक है, बाहर वाली व्हील को हम बोलते हैं एनुलर, अभी अभी बनाया था। अब ये जो कॉम्बिनेशन बना, ये हमारा क्या बनाएगा, सन प्लैनेट गियर, इसको हम बोलते हैं बीच वाले को सन और साइड वाले को प्लैनेट। क्लियर है पॉइंट, कह रहा है जो सिंपल इतना अरेंजमेंट क्या था, जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला सिर्फ हमारा सिंपल एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन होता, लेकिन इसमें जब हम एक एनुलर व्हील को ऐड कर देते हैं तो ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, ये पूरा कॉम्बिनेशन बनाता है सन प्लैनेट गियर, ठीक है। आगे देखते हैं, द व्हील पी कैन रोटेट फ्रीली ऑन आर्म ए, कह रहा है ये जो प्लैनेट प्लैनेट वाला है व्हील पी कैन रोटेट फ्रीली ऑन आर्म ए, जो आर्म है, ये जो आर्म है दोनों के सेंटर को जोड़ने वाला आर्म ए, इसके अबाउट जो हमारा प्लैनेट है ये फ्रीली रोटेट कर सकता है। द व्हील एस एंड पी आर जनरली कॉल्ड द सन एंड प्लैनेट, जो व्हील एस है सन को, जो सन गियर है उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो प्लैनेट गियर होता है उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वही दिखाया गया है। तो यहां पर वही है, देखिए जो बीच वाला गियर है, ये बीच में जो गियर है वो है सन गियर, ठीक है,
ठीक है, ये बीच में गियर हो गया यहां पे इस तरीके से कुछ, ठीक है। ऊपर वाला गियर क्या हो गया, ये ऊपर वाला गियर हो गया प्लेनेट गियर, ऊपर वाला गियर क्या हो गया, ये प्लेनेट गियर हो गया। समझ पा रहे हैं बात को आप, ये प्लेनेट गियर हो गया, ये सन गियर हो गया। और दोनों को देखिए हमने क्या किया हुआ है, दोनों को हमने ये एक आर्म से जोड़ा है, देखिए इसकी एक्सिस को और सन गियर की एक्सिस को दोनों को हमने एक आर्म से जोड़ा हुआ है। और ये आर्म क्या है, ये आर्म ए है, ठीक है। तो दोनों की एक्सिस को हम एक आर्म से जोड़ दें, अगर दोनों की एक्सिस को हमने एक आर्म से जोड़ दिया ए, और देखिए इसके चारों तरफ क्या कर दिया, एक एनुलर व्हील, आउटर व्हील लगा दिया, आउटर गियर, ये एक एनुलर गियर लगा दिया इसके आउटर चारों तरफ, तो लगा दीजिए। ये एनुलर व्हील, ठीक है, ये हमारा हो गया एनुलर। तो इसी फिगर को मैंने यहां रिप्रेजेंट किया है, जैसे सन गियर रिप्रेजेंटेड बाय एस, प्लेनेट गियर रिप्रेजेंटेड बाय पी, आर्म रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए, और ये हो गया हमारा एनुलर। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, अ फिक्स्ड गियर हैविंग 200 टीथ, क्वेश्चन को समझिएगा, कह रहा है हमारे पास एक फिक्स्ड गियर है, फिक्स्ड गियर हैविंग 200 टीथ इज इन मेश विद अनदर गियर हैविंग 50 टीथ। कह रहा है हमारे पास एक फिक्स्ड गियर है, फिक्स्ड गियर मतलब रुका हुआ गियर, जिस पर 200 टीथ है और ये मैशिंग में है, मैशिंग में मतलब रोटेट कर रहा है किसी दूसरे गियर के साथ, मैशिंग में है, मिला हुआ है किसी दूसरे गियर के साथ, और उस दूसरे वाले गियर पे कितने हैं, 50 टीथ है। द टू गियर्स आर कनेक्टेड बाय आर्म, इन दोनों गियर को हमने आर्म से जोड़ दिया है। द नंबर ऑफ टर्न्स मेड बाय द स्मॉलर गियर फॉर वन रेवोल्यूशन ऑफ द आर्म, द नंबर ऑफ टर्न्स मेड बाय द स्मॉलर गियर फॉर वन रेवोल्यूशन ऑफ आर्म, कह रहा है आपको बताना क्या है, द नंबर ऑफ टर्न्स मेड बाय द स्मॉलर गियर, कह रहा है कि आर्म, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझिएगा, द नंबर ऑफ टर्न्स मेड बाय द स्मॉलर गियर, कि जो छोटा वाला स्मॉलर गियर है वो कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस करेगा, कब, फॉर वन रेवोल्यूशन ऑफ आर्म, कह रहा है कि जब आर्म हमारा एक रेवोल्यूशन करेगा तो उसके लिए हमारा छोटा वाला गियर कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस करेगा। द नंबर ऑफ टर्न्स मेड बाय द स्मॉलर गियर फॉर वन रेवोल्यूशन ऑफ आर्म अबाउट द सेंटर ऑफ बिगर गियर वुड पी, कितना होगा, वही पूछ रहा है आपसे कि जो छोटा वाला गियर है उसमें कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होंगे, अगर आर्म हमारा कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कर रहा है, एक रेवोल्यूशन। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए, टेबल बनाकर करेंगे। देखिए इसमें कितने गियर है हमारे पास, इसमें हमारे पास कितने गियर हैं, अ फिक्स्ड गियर हैविंग 200 टीथ इज इन मैश विद अनदर गियर हैविंग 50 टीथ, द टू गियर्स आर कनेक्टेड बाय आर्म, द नंबर ऑफ टर्न्स मेड बाय द स्मॉलर गियर। चलिए पहले तो देखिए फिगर को बना रहा हूं मैं, और फिगर के हिसाब से आप समझिएगा टेबल को, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। ये मैंने दो गियर बना लिए और उनको आर्म से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये छोटा वाला गियर है तो इसको मैं एस से लिखता हूं, कुछ और नाम लिख देता हूं एस के अलावा, वरना आप सन गियर समझ लोगे। लेट्स से इसको मैं गियर नंबर टू लिखता हूं छोटे वाले को, और गियर नंबर वन, और आर्म को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, आर्म को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये जो आर्म है। अब देखिए यहां पर हमारे पास कितने एलिमेंट है, हमारे पास तीन एलिमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टेबल बनाऊं, टेबल बनाना ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैंने लिखा आर्म, यहां पर मैंने लिखा गियर नंबर वन, और यहां पर मैंने लिखा गियर नंबर टू, ठीक है, गियर नंबर वन गियर नंबर टू। देखिए टेबल कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझते जाएगा मैं जो जो पॉइंट समझाता जा रहा हूं आपको।
सबसे पहले हम मानेंगे कि हमारे पास आर्म है ही नहीं, हम पहले ये मान के चलेंगे आर्म है ही नहीं। ध्यान से समझिएगा बात को, अगर आर्म नहीं है मतलब आर्म का जो मोशन है, आर्म के एन को मैंने जीरो मान लिया, आर्म का जो मोशन है उसको जीरो मान लिया कि आर्म है ही नहीं, ठीक है। ये प्रोसीजर बता रहा हूं, ऐसे ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो मैंने सबसे पहले माना कि आर्म है ही नहीं, तो उसके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जीरो हो गए, और मैंने बोला कि लेट्स से जो गियर नंबर वन है उसके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को मैंने मान लिया वन, कि गियर नंबर वन को मैंने एक रेवोल्यूशन से रोटेट कराया, ठीक है, गियर नंबर वन को मैंने एक रेवोल्यूशन से रोटेट कराया। तो बात को समझते जाइएगा, धीरे धीरे समझते जाइएगा। अभी मैंने क्या बोला आपसे कि मैंने माना कि मेरे पास आर्म है ही नहीं, तो आर्म को मैंने हटा दिया और गियर नंबर वन को मैंने एक नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से रोटेट कराया, तो आप बताओ गियर नंबर टू का रेवोल्यूशन कितना होगा, एन कितना होगा। तो हमने पढ़ा हुआ है एन इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये पढ़ा हुआ है एन इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बोलने का मतलब हुआ क्या ये एक्सटर्नल गियर मेटिंग नहीं बना रहे हैं, क्या ये एक्सटर्नल गियर नहीं बना रहे, एक्सटर्नल मेटिंग गियर, गियर नंबर वन और गियर नंबर टू एक्सटर्नल मेटिंग गियर बना रहे हैं, तो इसके लिए क्या मैं लिख सकता हूं। ध्यान से देखिए, मैं यहां पे एक चेंज करूंगा, अब एन वन टी वन बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, एन टू टी टू ये लिख सकता हूं, लेकिन यहां पर मैंने एक माइनस साइन लगा दी। अब मैं विद डायरेक्शन निकाल रहा हूं, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं विद डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। विद डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ सर, समझ नहीं आया, समझिए यहां पे फिर। देखिए अगर मैं गियर नंबर वन को क्लॉकवाइज रोटेट कराता तो आप बताइए गियर नंबर टू किधर रोटेट करता, सर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता, बिल्कुल सही है। तो जब पहले हम बात कर रहे थे, जब सिंपल गियर ट्रेन की हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम रिलेशन क्या लगाते हैं, एन वन टी वन बराबर एन टू टी टू। उस वक्त मैंने आपको माइनस साइन यहां पर नहीं लगवाया था, उसका रीजन था क्योंकि यहां पर हमने डायरेक्शन अपने आप यूज कर ली। मैंने ये बोला था कि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, हमें डायरेक्शन पता थी पहले से ही। अब हमें यहां पर आंसर जो टेबल बनानी है वो टेबल विद डायरेक्शन रखनी है, विद डायरेक्शन रखनी है, ठीक है। जब हम टेबल को बनाएंगे तो इस टेबल में सारी वैल्यूज हमें विद डायरेक्शन रखनी है। तो देखिए अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो उस एंटी क्लॉकवाइज मोशन को शो करने के लिए ही हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। क्योंकि एक देखिए क्लॉकवाइज अगर एक रोटेट कर रहा है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो किसी एक को अगर आप प्लस मानोगे तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर आप क्लॉकवाइज को प्लस बोलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस हो गया, या अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को प्लस बोलोगे तो क्लॉकवाइज माइनस हो गया। तो बात समझ में आई यहां पे। अब मैं माइनस क्यों लगा रहा हूं, टेबल में जितनी वैल्यूज रखी जाएंगी विद साइन रखी जाएंगी, क्या ये बात क्लियर है, इसको मैं हटा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहां पे माइनस साइन आ गई। गियर नंबर वन के रेवोल्यूशंस एन की वैल्यू कितनी है, वन है, तो गियर नंबर टू के देखिए कितनी हो जाएगी, यहां से एन टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन टू की वैल्यू हो जाएगी माइनस टी वन डिवाइडेड बाई टी टू। इसको आप ऐसा समझिए कि जिसकी स्पीड निकालनी है, आप इसको ऐसा याद करिए कि जिसकी स्पीड निकालनी है उसके नंबर ऑफ टीथ नीचे रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर कितना आ गया, ये आ गया माइनस टी वन डिवाइडेड बाई टी टू, क्या इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले मैंने माना कि लेट सपोज आर्म है ही नहीं, तो आर्म को जीरो कर दिया, और मैंने बोला कि लेट से कि गियर नंबर वन को इनिशियली मैंने वन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दिया, वन आरपीएम से रोटेट करा दिया, ठीक है। तो गियर नंबर टू के नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने आ जाएंगे, देखिए यहां से एन वन टी वन बराबर माइनस एन टू टी टू से एन टू की वैल्यू निकालनी है, एन वन को मैंने यहां पर वन मान रखा है, तो कितना आ गया माइनस टी वन बाई टी टू, ठीक है। अब मैं मानता हूं कि लेट से हमारे पास आर्म आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर को फॉलो करिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे टेबल में x से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो यहां तो जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो गुणे एक्स बराबर जीरो, यहां पर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बाई एक्स, तो यहां पर वन इंटू एक्स,
वन इंटू एक्स बराबर एक्स, ये प्रोसीजर है ध्यान रखिएगा, माइनस टी वन डिवाइडेड बाई टी टू इंटू एक्स, और यहां जीरो इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, जीरो इंटू एक्स बराबर जीरो ही हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, पूरे में वाई को एड कर रहा हूं, एडिंग वाई, और यहां पे क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब यहां पे y ऐड करेंगे तो 0 में y ऐड करेंगे, 0 प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, इसमें y ऐड करेंगे तो ये x प्लस y हो जाएगा, और इसमें y ऐड करेंगे तो y माइनस x t1 डिवाइडेड बाई t2, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई। अब मेरा ये फिगर ट्रांसफर हो चुका है कि मैंने मान लिया कि मेरे में आर्म आ गया। अब आपसे क्या बोला हुआ है कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है गियर नंबर वन के रेवोल्यूशन, जो छोटा वाला गियर है, तो छोटा वाला गियर कौन है आप बताओ, छोटा वाला गियर कौन है दोनों में, दो, तो इसके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आप बताओ, इसके N2 की वैल्यू यहां से क्या दिखाई दे रही है, यही तो है N2 की वैल्यू, N2 की वैल्यू यही तो दिखाई दे रही है, तो हमें N2 ही तो निकालना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन टू के, तो कितना निकालना है हमें, वाई माइनस एक्स टी वन डिवाइडेड बाई टी टू, हमें यही तो निकालना है, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। अब ये वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या चीजें गिवन है, देखिए उसने बोल रखा है अ फिक्स्ड गियर हैविंग 200 टीथ, मतलब जो बड़ा वाला गियर है जिसपे 200 टीथ हैं, जो बड़ा वाला गियर है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड होने का मतलब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, जीरो, तो जो बड़ा वाला गियर है वो गियर नंबर वन है, और उसकी स्पीड कितनी है, एक्स प्लस वाई है, मतलब एक्स प्लस वाई, एन वन की वैल्यू क्या गिवन है हमें, एन वन की वैल्यू जीरो गिवन है, और एन वन कितना है यहां पे, एक्स प्लस वाई, इसका मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, क्लियर। अब देखिए और क्या गिवन है, कह रहा है कि स्मॉलर गियर के नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बताने हैं फॉर वन रेवोल्यूशन ऑफ द आर्म, और आर्म के नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हैं, वाई, आर्म के नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हैं, वाई, मतलब आपको वाई की वैल्यू वन गिवन है क्वेश्चन में, y is equal to 1 आपको गिवन है, और अगर y is equal to 1 हो गया, देखिए if y is equal to 1 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वन, सारी वैल्यूज उठा के इसमें रखिए, सारी वैल्यूज उठा के यहां पे रखिए, तो देखिए सारी वैल्यूज उठाकर मैं यहां पे रखता हूं, तो आंसर कितना आ जाएगा, सॉल्व करिए इसको, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 1, x की वैल्यू है माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस, और टी वन, टी वन मतलब बड़े वाले गियर पे तीत कितने हैं, 200, तो ये 200 हो जाएगा, बटे में T2 कितना हो जाएगा, T2 मतलब छोटे वाले गियर पे तीत 50, कैंसिल आउट करिए, ये 4 टाइम्स आ जाएगा, 200 को 50 से काटिए 4 आ जाएगा, कितना आ गया, 1 प्लस 4 बराबर 5, इसका मतलब जितनी देर में हमारा आर्म एक रेवोल्यूशन लेगा उतनी देर में छोटा वाला गियर हमारे 5 चक्कर घूम लेगा। बात समझ में आ रही है क्या, ये चीज क्लियर है, इसको मैं अब हटा रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं, इस बात को समझिए, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, इसका ये मतलब हुआ कि ये मैंने बड़ा गियर बनाया, ये मैंने छोटा गियर बनाया, दोनों को मैंने आर्म से कनेक्ट कर दिया, तो जितनी देर में आर्म हमारा पूरा घूम के एक चक्कर लगाएगा उतनी देर में हमारा ये वाला जो गियर है ये गियर नंबर टू, ये उतनी देर में 5 चक्कर अपनी एक्सिस के अबाउट 5 चक्कर लगा लेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, यही मतलब हुआ इस क्वेश्चन का। तो ये जो मैंने यहां पे आपको टेबल समझाई थी, उस टेबल को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ये प्रोसीजर है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्लियर। चलिए देखते हैं डिफरेंशियल गियर क्या होता है। आपको सबसे पहले इतना याद रखना है कि डिफरेंशियल गियर का यूज किसमें करते हैं, डिफरेंशियल गियर का हम यूज करते हैं किसमें, इट हेल्प्स इन द टर्निंग, ये किसमें मदद करता है, ये टर्निंग में मदद करता है। बात समझ पा रहे हैं, ये किसमें मदद करता है, ये टर्निंग में मदद करता है, कि जैसे आपकी गाड़ी, मतलब ये कोई भी व्हीकल है, सड़क पे एक सीधी लाइन के अलोंग मूव कर रही है, और कहीं पर मोड़ आ गया, मतलब चौराहा आ गया या कोई मोड़ आ गया, अब आपको अपने व्हीकल को वहां पर मोड़ना है, टर्न लेना है, तो उस वक्त जो टर्निंग में हेल्प करेगा, टर्न लेने में, दाईं तरफ या बाईं तरफ घुमाने में जो आपके व्हीकल को हेल्प करेगा, वो कौन यूज करता है, कौन हेल्प करता है, डिफरेंशियल गियर।
ठीक है। तो डिफरेंशियल गियर क्या करता है, जो हमारे रियर एक्सल्स होते हैं, पीछे वाले पहिए, गाड़ी के जो व्हीकल्स के पीछे वाले पहिए होते हैं, टर्निंग के वक्त दोनों पहियों को अलग अलग स्पीड पे चलना होता है। अगर दोनों एक ही स्पीड पे चलेंगे तो आपकी गाड़ी कभी टर्न नहीं हो पाएगी, दोनों को अलग अलग स्पीड पे टर्न कराना होता है। तो ये काम कौन कराता है, ये काम कराता है हमारा डिफरेंशियल गियर। बात समझ पा रहे हैं? अब आप कहोगे सर ये कैसे समझ नहीं आ रहा है कि पीछे वाले पहियों को अलग अलग स्पीड पे क्यों घुमाना होता है। ठीक है, समझते हैं इसको, इस बात को हम समझते हैं कि क्यों जरूरी है पीछे वाले पहियों को अलग अलग स्पीड पे घुमाना। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा व्हीकल है इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर एक पहिया इधर लगा रखा है, एक पहिया यहां लगा रखा है, एक पहिया यहां, और ये आगे के फ्रंट व्हील्स हो गए, हमें रियर व्हील से मतलब है यहां पर। अब देखिए, तो जब हम व्हीकल को टर्न कराएंगे तो यहां पे देखिए, टर्न कराते वक्त यहां पे कुछ इस तरीके से इनका सेंटर होगा ना, जिसके अबाउट ये घूम रहे होंगे, कोई ना कोई सेंटर होगा जिसके अबाउट ये घूम रहे होंगे। लेट्स से ये सेंटर हो गया, ये मैंने एक सेंटर बना लिया इस वाली पोजीशन पे, यहां पर मैंने एक सेंटर बना लिया, क्योंकि जब भी कोई चीज घूमेगी एक सर्कल में ही घूमेगी, और सर्कल में घूमने के लिए जरूरी क्या है, सर्कल में घूमने के लिए जरूरी है कि उसका एक कोई ना कोई सेंटर होना चाहिए जिसके अबाउट वो मूव करे। जैसे ये गाड़ी है आपकी, मान लीजिए आप इसको अगर घुमा रहे हो तो कहीं ना कहीं इसका कोई सेंटर पॉइंट होना चाहिए, तभी तो ये एक सर्कुलर आर्क में घूमने की कोशिश करेगा। ठीक, तो अब देखिए, ये बाहर वाला आउटर व्हील हो गया, ये इनर व्हील हो गया, और ये वो सेंटर है जिसके अबाउट गाड़ी हमारी देखिए ऐसे जा रही है, और ऐसे जाते जाते इसको ऐसे टर्न लेना है। तो अगर ये टर्न लेना है तो मतलब ये किसी ना किसी एक सर्कुलर पाथ को ही तो फॉलो करेगी, और उस सर्कुलर पाथ का सेंटर ये है हमारा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर गाड़ी इस पूरे सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर लेती, अगर इस पूरे सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर लेती तो यही होता इसका एक सर्कुलर पॉइंट, सेंटर पॉइंट। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो सर्कुलर पाथ लेने वाली है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो ये वाला पॉइंट है। लेट से इस पॉइंट को हम पी बोल देते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पाथ को हम पी बोल देते हैं। समझिए आगे, तो ये अब हमारी जो व्हीकल है, लेट से अब ये टर्न ले रही है, ठीक है, ये यहां पर टर्न ले रही है। तो आप खुद देखो, अगर ये टर्न ले रही है तो इस वाले टर्न लेते वक्त मान लीजिए गाड़ी को यहां से यहां पर पहुंचना है, ठीक है, बात को समझिएगा, गाड़ी यहां से टर्न लेना स्टार्ट की और लेट से इस वाले पॉइंट पर पहुंचना है, ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैं A1 बोल देता हूं, इस वाले पॉइंट को मैं A2 बोल देता हूं, मतलब गाड़ी को A1 से A2 पहुंचना है और टर्न भी लेना है। तो उस वक्त टर्न लेने के लिए देखिए, ये वाला जो पहिया है ये तो ऐसे घूम रहा होगा ना, इस तरीके से डॉट डॉट लाइन से बनाता हूं मैं इसको, ये वाला पहिया कुछ इस तरीके से घूम रहा होगा, ऐसे टर्न लेगा, और ये वाला पहिया कैसे जाएगा, ये इस तरीके से घूम रहा होगा, देख पा रहे हैं? अब देखिए, इस वाले पॉइंट पर अगर पहुंचना है, यहां पर मिला देता हूं, दोनों क्या सेम एंगल बना रहे हैं थीटा, क्या दोनों सेम एंगल बना रहे हैं A1 वाले पॉइंट से A2 वाले पॉइंट तक, क्या आउटर व्हील ये वाला व्हील यहां से यहां जाएगा और इनर व्हील इस वाले पॉइंट से यहां पे जाएगा, ठीक है, यहां पर इनर व्हील यहां से यहां पे जाएगा और आउटर व्हील यहां से यहां जाएगा, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। देखिए, जो आउटर व्हील होगा, आउटर व्हील इस वाले पाथ को फॉलो करेगा, आउटर व्हील इस वाले पाथ को फॉलो करेगा, और जो इनर व्हील है, इनर व्हील वो इस वाले पाथ को फॉलो करेगा, देख पा रहे हैं? ये हो गया हमारा आउटर व्हील और ये हो गया इनर व्हील, इसको मैं लिख देता हूं इनर, ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूं आउटर, इसको मैं लिख देता हूं आउटर, इसको मैं लिख देता हूं आउटर, और ये हो गया हमारा इनर व्हील, अंदर वाला। बस एक मिनट के लिए और इस पॉइंट को देखिएगा, आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों जरूरी है।
ये वाला हो गया इनर व्हील। अब देखिए जो आउटर व्हील और इनर व्हील है इस सेंटर पॉइंट पर A1 से A2 जाते वक्त दोनों सेम एंगल बना रहे हैं थीटा, ठीक है। आउटर व्हील भी थीटा एंगल बना रहा है सेंटर पर, इनर व्हील भी थीटा एंगल बना रहा है सेंटर पर, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो जो आउटर व्हील आर्क बना रहा है वो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक बना रहा है, जिसको मैं लेट से S1 डिस्टेंस बोल देता हूं और इसको मैं S2 डिस्टेंस बोल देता हूं, ठीक है। इसको मैं S2 डिस्टेंस बोल देता हूं, दिस इज S2 डिस्टेंस। तो आपको पता है आर्क वन जो आउटर व्हील बना रहा है वो S1 है और आर्क जो इनर व्हील बना रहा है वो S2 है, और आपको दिखाई दे रहा है कि अगर यहां से मैं वैल्यू निकालू एंगल थीटा इज सेम फॉर बोथ, आर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, तो आर्क की वैल्यू कितनी हो गई आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस। किसकी रेडियस ज्यादा है, आउटर व्हील की या इनर व्हील की? जाहिर सी बात है इस सेंटर से आउटर व्हील की रेडियस ज्यादा है, और अगर आउटर व्हील की रेडियस ज्यादा है, थीटा दोनों का सेम है, तो जिसकी रेडियस ज्यादा उसका आर्क ज्यादा। इसका हम ये मतलब बोल सकते हैं कि S1 जो होगा अगर उसकी रेडियस ज्यादा है तो S1 की जो दूरी है S2 से ज्यादा होगी। इसका यह मतलब हुआ कि जब वो टर्न ले रहा होगा तो बाहर वाले व्हील को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, क्या ये बात समझ पा रहे हैं? जब ये टर्न ले रहा होगा तो ये जो S1 वाली डिस्टेंस है, ये S1 वाली डिस्टेंस ज्यादा है किससे, S2 से। इसका यह मतलब हुआ कि बाहर वाले आउटर वाले व्हील को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी और अंदर वाले व्हील को कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो जिसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है उतने ही टाइम में, तो जाहिर सी बात है ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसकी स्पीड भी ज्यादा होनी पड़ेगी, और जिसको कम दूरी ट्रेवल करनी है तो कम दूरी ट्रेवल करने के लिए उतने ही समय में कम स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। मैं कह रहा हूं समय बराबर है दोनों के लिए, क्योंकि उतने ही समय में टर्न लेना है, तो समय तो दोनों के लिए बराबर हो गया, समय तो बराबर हो गया, लेकिन जिसको ज्यादा दूरी तय करनी है, किसको ज्यादा दूरी तय करनी है, आउटर व्हील को। तो जिसको ज्यादा दूरी तय करनी है तो उसकी स्पीड भी ज्यादा होनी पड़ेगी, और जिसको कम स्पीड दूरी करनी है, किसको कम स्पीड ट्रेवल करनी है, इनर व्हील को, तो उसकी स्पीड भी कम होनी पड़ेगी। तो ये बात समझ में आया कि टर्निंग लेते वक्त दोनों व्हील्स को अलग अलग स्पीड पे चलना होता है, ताकि जिसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है वो ज्यादा स्पीड से चलेगा, और जिसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है वो कम स्पीड से चलेगा। और जब ये सीधी रेखा के अनुदिश चल रहे होते हैं, एक सीधी लाइन में चल रहे होते हैं, तो दोनों टायर्स दोनों व्हील्स की जो स्पीड होती है वो बराबर होती है, क्योंकि दोनों को गिवन टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, ठीक है। लेकिन यहां गिवन टाइम में दोनों को अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, और अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो दोनों की स्पीड भी अलग होनी पड़ेगी, क्या ये बात क्लियर है? और इस पर्पस को कौन निभाता है, इस पर्पस की जिम्मेदारी कौन लेता है, हमारा डिफरेंशियल गियर। डिफरेंशियल गियर का काम ही यही है कि जब टर्निंग हो रही हो उस वक्त पीछे के टायर्स को अलग अलग स्पीड पे चलाना। तो ये किसमें मदद करता है, इट हेल्प्स इन टर्निंग ऑफ अ व्हीकल। किसमें मदद करता है, जब व्हीकल की हम टर्निंग ले रहे होते हैं किसी मोड पर, तो उसमें ये हमारी मदद करता है, ठीक। आगे देखिए, व्हेन अ व्हीकल टेक्स अ टर्न, इसको मैं थोड़ा रफ कर दूं, क्लियर कर दूं, तब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या है। व्हेन अ व्हीकल टेक्स अ टर्न द आउटर व्हील्स मस्ट ट्रेवल फास्टर देन द इनर व्हील। देखिए बात समझ में आ गई, वही बोल रहा है जो बाहर वाला व्हील है उसको ज्यादा तेजी से चलना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि बाहर वाले व्हील को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो उसको ज्यादा तेज स्पीड पे चलना पड़ेगा, किससे, अंदर वाले व्हील से। सिंस बोथ रियर व्हील्स, रियर मतलब पीछे के टायर्स, रियर का मतलब होता है पीछे वाले व्हील, जो पीछे वाले व्हील्स थे, बोथ रियर व्हील्स आर ड्रिवन बाय द इंजन थ्रू गियरिंग, ठीक है, गियरिंग के थ्रू चलते हैं, देयरफोर सम सॉर्ट ऑफ ऑटोमेटिक डिवाइस इज नेसेसरी सो दैट टू रियर व्हील्स कैन ड्रिवन एट स्लाइटली डिफरेंट स्पीड्स। देखिए लिखा हुआ है वही चीज कि जो पीछे के टायर्स हैं वो क्या किस पे चले, स्लाइटली डिफरेंट स्पीड,
मतलब दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए, स्लाइटली अलग अलग, थोड़ी सी अलग अलग होनी चाहिए। और ये बात मैंने आपको समझा दी कि क्यों अलग होनी चाहिए, क्योंकि टर्निंग लेते वक्त गिवन समय में दोनों को अलग अलग दूरी ट्रेवल करनी है, और अलग अलग दूरी ट्रेवल करने के लिए दोनों की स्पीड को अलग अलग होना पड़ेगा। आउटर व्हील को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है इसलिए उसको ज्यादा स्पीड पे चलना पड़ेगा, और अंदर वाले व्हील को कम दूरी ट्रेवल करनी है इसलिए उसको कम स्पीड पे चलना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद दिस इज accomplished by a फिटिंग अ डिफरेंशियल गियर। तो ये जो काम करता है दोनों को अलग अलग स्पीड पे हमें जो चलाना है, ये काम कौन करता है, ये काम करता है डिफरेंशियल गियर। देखिए वही लिखा हुआ है, इट इज accomplished। accomplished का मतलब होता है पूरा होना। ये काम किसकी वजह से पूरा होता है, by फिटिंग अ डिफरेंशियल गियर ऑन द रियर एक्सल। जब हम पीछे वाले एक्सल पर डिफरेंशियल गियर लगा देते हैं तो यह काम कौन करता है, दोनों पीछे के टायर को अलग अलग स्पीड पे चलाना, डिफरेंशियल गियर वो इस काम को पूरा करता है। क्लियर पॉइंट। नाउ एन एपिसाइक्लिक गियर हैविंग 2 degree ऑफ फ्रीडम हैज बीन यूटिलाइज इन द डिफरेंशियल गियर ऑफ एन ऑटोमोबाइल। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी समझा हुआ है अभी अभी, जब मैं आपको समझा रहा था कि जहां पर एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है, ठीक है, उसी पॉइंट को यहां पर लिखा गया है। Differential gear, it permits the two vehicles to rotate at the same speed when driving straight. इसका ये मतलब हुआ, straight का मतलब ये हुआ कि जब हमारी जो गाड़ी है, जो vehicle है, जब वो सीधे चल रही होती है, यहाँ पे चार wheels ऐसे लगे होंगे, उस वक्त ये जो rear axles हैं, इनको हम पीछे, ये हमारा front हो गया सामने का भाग, और ये हो गया हमारा rear axles पीछे के rear wheels, ठीक है। तो जब गाड़ी हमारी बिल्कुल स्ट्रेट पोर्शन में चल रही होती है तो दोनों टायर की स्पीड, पीछे के दोनों टायर की स्पीड सेम होती है। वही लिखा है, इट परमिट्स द टू व्हील्स टू रोटेट एट द सेम स्पीड। मतलब हमारी जो पीछे के दोनों टायर हैं, ये सेम स्पीड पे चल रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। कब? जब हमारी एक गाड़ी एक सीधी रेखा के अनुदिश चल रही होती है। लेकिन जब टर्निंग लेना होता है तो टर्निंग के वक्त जरूरी होता है इन दोनों टायर को अलग अलग स्पीड पे चलाना, तो वो काम कौन करता है, डिफरेंशियल गियर। ठीक है, पढ़ते हैं। इट परमिट्स द टू व्हील्स टू रोटेट एट द सेम स्पीड व्हेन ड्राइविंग स्ट्रेट। आगे, व्हाइल अलाउइंग द व्हील्स टू रोटेट एट डिफरेंट स्पीड्स। कह रहा है फिर ये दोनों टायर को अलाउ करता है अलग अलग स्पीड पे घुमाना। कब? व्हेन टेकिंग अ टर्न। जब ये क्या करता है, आगे कोई मोड़ आ जाए, जब आपको टर्न लेना हो, उस वक्त दोनों व्हील्स को ये अलग अलग स्पीड पे घुमाता है। Thus, a differential gear is a device which adds or subtract angular displacement. इसलिए ये हम इसको बोल सकते हैं कि एक ऐसी डिवाइस है। Thus, a differential gear is a device which adds or subtracts angular displacement. क्या करता है ये? कभी angular displacement हमें दे रहा है, कभी हटा रहा है सिस्टम से, क्योंकि ये कभी गाड़ी व्हीकल को सीधे चला रहा है और कभी ये अलग अलग स्पीड पे चला रहा है। तो कभी अलग अलग स्पीड पे चला रहा है तो अगर दोनों की एंगुलर स्पीड अलग अलग हो गई तो किसी में जुड़ेगी, किसी में कम होगी, यही तो बात हुई। इसीलिए इसका मतलब हुआ, विच एड्स और सब्ट्रैक्ट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसी एक व्हील पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेगा तो किसी दूसरे पे ये घटा देगा। कभी तो अलग अलग स्पीड पे चलेंगे। देखिए ये फिगर बना रखा है यहां पर डिफरेंशियल गियर का। सेम डिफरेंशियल गियर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ठीक है, जो डिफरेंशियल गियर होता है ये एक एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का पार्ट ही होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल गियर कैसे काम करता है ये यहां पे दिखाया गया है फिगर में। ठीक है, इससे हमें ज्यादा कोई लेना देना है नहीं, इस फिगर को हटाते हैं, हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा अपने आप से। ठीक है, नहीं होगा तो हम बाद में जब क्वेश्चन आंसर सीरीज होगा उसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिफरेंशियल गियर इज एन ऑटोमोबाइल इज अ, क्या है डिफरेंशियल गियर, क्या है, इज एन ऑटोमोबाइल इज अ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का पार्ट है, अभी अभी हमने पढ़ा था। अ डिफरेंशियल गियर इन द ऑटोमोबाइल्स इज यूज टू, किस लिए यूज होता है डिफरेंशियल गियर। देखिए डिफरेंशियल गियर हमने क्या पढ़ा है, हेल्प्स इन टर्निंग ऑफ अ व्हील। तो यहां पर बताइए क्या होगा आंसर, द डिफरेंशियल गियर इन द ऑटोमोबाइल इज यूज टू, किसमें यूज होता है, helps in turning, option number D। ठीक है, gearbox in car consist at, जो gearbox होता है कार में consist at, किसमें consist होता है, epicyclic gear train। बोलिए
तो यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे किसके साथ, हम मिलेंगे अपने गवर्नर चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज करिए। बाकी ये जो एक चीज मैंने आपको फिगर यहां पे छोड़ा हुआ है, फिगर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं समझना, क्योंकि जो डिफरेंशियल का काम है मेन चीज, वो डिफरेंशियल का काम आपको जानना बहुत जरूरी है कि डिफरेंशियल काम कैसे करता है, ठीक है। बाकी अगर अब देखिए, अगर मैं चाहता तो इसका एनिमेशन डाल देता, वीडियो डाल देता यहां पर इस फिगर को और अच्छे से दिखाने के लिए, वो काम आप खुद कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे और जगह एनिमेशन जो भी है उसके फिगर एनिमेशन अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को करिएगा जरूर, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप क्या करिएगा, यहां पे हमने समझ तो लिया कि टर्निंग में डिफरेंशियल हेल्प करता है, दोनों टायर को अलग अलग स्पीड पे चलाता है ड्यूरिंग टर्निंग, और जब गाड़ी सीधी चल रही होती है तो दोनों टायर सेम स्पीड पे चलते हैं। आपका होमवर्क ये है कि आप जाइएगा यूट्यूब पे और एनिमेशन देखिएगा, ताकि आपको एक रियल फीलिंग आ सके एनिमेशन ऑफ डिफरेंशियल गियर, एनिमेशन ऑफ डिफरेंशियल गियर, ये आपका काम है, ठीक है। आप जाइएगा डिफरेंशियल गियर का एनिमेशन देखिएगा कि काम कैसे करता है, ताकि आपको एक रियल फीलिंग आ सके। तब बाकी आप यहां तक रिवाइज करिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में गवर्नर के साथ। थैंक यू।